तो मैं मॉर्निंग में रेडी हो गई 5:30 बजे, क्योंकि आज हमारे को लेने जाना था पीली मिट्टी, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज बता रखी धनतेरस और बाकी हमारे। पर्दा आपने धो दिया ऐसे? मैं जाके आ गई हूँ पार्लर, आईब्रो आईब्रो सब करा के आ गई हूँ मासी। तो मैं मॉर्निंग में रेडी हो गई 5:30 बजे, क्योंकि आज हमारे को लेने जाना था पीली मिट्टी, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज बता रखी धनतेरस और बाकी हमारे गांव में सब कल करने वाले हैं। अभी बन रही है चाय और अभी किचन की हालत कुछ ऐसी है, क्योंकि फ्रिज के सारे सामान बाहर निकले हुए हैं। फ्रिज धोया था, किचन पूरा क्लीन किया और बहुत कुछ चेंज हुआ है किचन में। यहाँ पर जो डेस्क रखी हुई थी वो भी वहाँ पर रख दी है, सारी ड्रॉर्स और इधर है। अभी तो बहुत सारी सफाई करना बाकी है। आज का दिन हमारे को और लगने वाला है धनतेरस का। इस बार मैंने शूट सिर्फ कमरे का ही किया, क्योंकि बाहर का नहीं हो पाया, तबीयत भी खराब और सफाई भी शूट भी सब नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इस बार सिर्फ रूम की वो भी मन मार के जैसे तैसे सफाई भी कर ली और शूट भी कर लिया और ब्लॉग भी आप सबसे शेयर किया। अब देखते हैं दिवाली के दिन तक कैसी क्या हालत रहती है। अभी भी सब बीमार बीमार से ही चल रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। अब सिर्फ ये किचन जमाना है और बाहर से साफ करना है, तो आज का और है। और मेरी ड्रेसिंग और रूम में और बाकी चल रहा है उसको मेरे को आज करना है, या फिर कल सुबह में करने वाली हूँ। तो पीली लाना आज कैंसिल हो गया, सो मैंने साड़ी भी चेंज कर ली और हम लोग सामने सेट के जैसा कि दर्शन करने जाते हैं। तो आज मैंने मोबाइल भूल गई मैं और शूट नहीं किया वहाँ पर, सो बस वहाँ से आए हैं। अब हम वापस छत पर पूजन करेंगे पथवारी और तुलसी माता की, सूरज भगवान की, और फिर जैसा कि हमने बिखेरा दिखाया। सो आज पूरा दिन ऐसे ही चलने वाला है अभी तक तो। फिलहाल मैं अभी पूजन पाठ से निपटी होंगे, फिर कर ले जाएंगे सब अपने मोहल्ले के। आज तो आज करे ना, दे कल जाएंगे। तो मेरा आधा अधूरा रूम साफ हुआ, ऐसे ही रखा हुआ है। अभी बाहर की वापस से सफाई छेड़ दी गई है और मैं अभी जाने वाली हूँ किचन में। सो मम्मी जी और ये करने वाले हैं बाहर की सफाई और मेरे को करनी है किचन का काम, जो कि रोटी सब्जी का। फिर मेरे को मेरी ड्रेसिंग, जिसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, अभी तक साफ नहीं किया है, और ये जो बाकी रह रहा है वो बाकी ही रह रहा है, इसलिए आज मैं इनको शाम तक कम्प्लीट करके जमाने वाली हूँ। जैसे तैसे नहीं, बिल्कुल करना ही है। सो, मेरा काम होता है स्टार्ट किचन में। ये मैंने रख दिया है पालक अच्छे से बॉईल होने के लिए। गार्ड मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, मम्मी जी मैंने बताया मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पर मैं बना लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस है। सो मैं लेती हूँ कुकर, उसमें डालती हूँ ये गार्ड वाले और थोड़ा पानी, थोड़ा नमक, और फटाख से लेते हैं सीटी 4 से 5 और बन जाएंगे। मैं दिखाती हूँ बाहर कैसे क्या सफाई चल रही है। ये देखो अभी लगेगा फुहारा, मस्त जोर का शावर चलेगा अभी इस गाड़ी धोने वाले से, और पूरा अभी धोएंगे। दीपक जी देखो आओ, दबा दी रे, चला चला दी रे, क्या वेल नहीं टूट जा, वेल नहीं टूट जा, वेल
रुकी गई और छाछ में मिलाएंगे तो उसको राफ बन जाएगी। मैंने यहाँ पर बस खत्म की घोड़े की जड़े तो खत्म हो गई। मम्मी जी नीचे नाल में गए देखे अब आप मतलब थोड़ा सा इस काम है आपका वाह तो मैंने खाना बना दिया धनतेरस कर ले अपने इसलिए आज सफाई हो रही है तो पापा जी है ना। तो आप सबने देखा है कि सब अभी सफाई में लगे हुए हैं और फिर ऐसा हुआ है कि सफाई करते करते दीपक जी चले गए शॉप पर और फिर मम्मी जी और मैंने खाना खाया और फिर मैं थोड़ा सो गई। मम्मी जी भी थोड़ा रेस्ट किया और फिर वो आए जीते फिर वो आए और वापस से उन्होंने सफाई का काम शुरू कर दिया। और मॉर्निंग में जो कपड़े मम्मी जी ने डाल के तो रखे थे मशीन में बट उनको पानी से निकालने थे और ये काम मेरा था क्योंकि आज सफाई करने का मम्मी का काम था और मेरा काम था आज किचन संभालने का और कपड़े का इनका सबका। सो मैंने झाड़ू पोछे भी किए नीचे जब सफाई हो गई फिर उसके बाद मैं अभी ऊपर आई हूँ शाम को 5:30 बजे और अभी मैंने कपड़े सारे पानी से निकाले हैं अब इनको सुखाना है और मैं सोच रही हूँ आज बाथरूम की भी मैं सफाई कर ही लूँ क्योंकि मॉर्निंग में कल छत साफ की थी मम्मी जी ने। रूम साफ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले वो कर लूँ और फिर मैं मेरा फेस थोड़ा आईब्रो करवाने की भी है वैक्सिंग भी करवाने की है कि चलो अब करवा लेती हूँ अब दिवाली आने वाली है तो अब देखते हैं अगर हुआ तो अभी जा पाऊँगी तो अभी जाऊँगी और हुआ तो कल जाना होगा तो कल जा पाएंगे ऐसा कुछ देखते हैं अभी क्या होता है। कपड़े भी बहुत सारे हैं बहुत सारे इसलिए मैंने मॉर्निंग में नहीं कर पाई क्योंकि सुबह ना आज मैं जब छत पे आई थी ना तो बंदर घूम रहे थे तो मैं बंदर देख के थोड़ा रुक गई और कल सारे मैंने ये सारे इनके बूट वगैरह सारे फॉर्मल सारे धोए हाँ और अभी भी एक जोड़ी बाकी चल रही है उनकी अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ। पहले मैंने सोचा है कि मैं फटाफटी कर लूँ अब मैं मम्मी जी को पूछूँ नहीं क्योंकि अगर मैं पूछूँगी तो वो बोलेंगी बीमार हो जाओगे अब सुबह करना नहीं अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि कल करते ना बहुत सारा काम बाकी रह गया है। सो मैं ये सारा यही टारगेट बना रखा है कि हाँ चलो दिवाली तक हमारे को सारी कंप्लीट करनी है। अगर ऐसे सोच ले यार बाद में कर लेंगे तो बाद में नहीं हो पाती है ये तो रियलिटी है। हवाई अभियान चल रहा है यहाँ से हो गया साफ हो गई ये कहाँ पे गए तो मैं ऊपर से फ्री होके आई और आते ही पता चला कि वो तो चल गए दुकान और मम्मी जी अकेले कर रहे हैं। सो मैंने वापस वाइपर घुमाया उनके जो भी सफाई करनी थी थोड़ी बहुत वो करवाई और अब कैपेसिटी वापस मेरी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उठते ही समय चली गई थी ऊपर और वापस लग गई थी एसिड वगैरह उससे मैंने धोया उसको क्योंकि पानी जम जाता है बाथरूम में तो मैंने एसिड से इनसे धोया उसको और नीचे गई तो वाइपर लगाना था हाथों में मेरे ना हाथों की स्किन इतनी सॉफ्ट है कि छाले हो जाते हैं हाथ मेरे ना सुबह कल से ही जल रहे हैं क्योंकि धोने का काम ही चल रहा है तो पानी में ही रख के रह के हाथ मेरे जल रहे हैं और मतलब एसिड लगाया तो मेरे बहुत जल रहे थे ये रेड रेड जहाँ से दिख रहे हैं ना वो बहुत जलन हो रहे थे हाथों पर। लास्ट काम था सो आज हमारा होता है सफाई का प्रोग्राम ख़त्म
और अब चलेगा दिवाली का, जैसे कि कल से होने वाली है धनतेरस की स्टार्टिंग। धनतेरस के बाद आती है रूप चौदस, रूप चौदस के बाद दीपावली। सो कैसे क्या दिन रहते हैं तीनों और कैसे क्या रहता है सब कुछ, इस बार मैं आप सबको मेरे ससुराल के घर की होम टूर भी करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हर ब्लॉग पे आते हैं कि दीदी आप आपके घर का होम टूर करवाओ। सो मैं कोशिश करूंगी कि दिवाली के दिन ही, जैसा कि सजा धजा सा घर रहता है, सो वैसे ही मैं आप सबसे शेयर करूं और कैसा क्या लगता है आपको वो भी बताना। फिलहाल मैं आज अभी तक तो का यही सफाई चल रहा है और अब मैं सोच रही हूँ मैं भी पार्लर पर जाके आऊँ, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है मेरे को आईब्रो भी करवा लेनी चाहिए, वैक्स भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हाथ में जाके आ गई हूँ पार्लर, आईब्रो सब करा के आ गई हूँ। मासी दीजिए। आप सो गए? ऐसे सो गए? आपने मेरा फोन भी नहीं किया, आग में आ गया हूँ हैं? हैं? पूछ कर रहे हो हैं?